हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी संस्था के द्वारा आप सभी बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर रची गई है, जिसका नाम है संग्राम सीरीज। इसके अंतर्गत अभी कुछ दिनों से आप किसे जान रहे थे, ओरिएंटेशन क्लास, यानी जिसके अंतर्गत आपको परीक्षा में विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और लेखन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए। पर अब से आपको इसमें ऐसे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लेखन करने के स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत 4 लेक्चर वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें आपको हर एक टॉपिक, चाहे वो व्याकरण के पक्ष से हो, चाहे साहित्य के खंड से हो, मैं बहुत डिटेल में जाकर आपको बताने की कोशिश करूंगी, ताकि उत्तर लेखन के माध्यम से आप पूरे अंक कैसे प्राप्त कर सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा के दो हिस्से हैं, एक हो जाता है हमारे लिए व्याकरण का पक्ष और एक हो जाता है हमारे लिए साहित्य का पक्ष। अब सभी को पता है कि व्याकरण के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। अब इसी व्याकरण में परिभाषाओं को, अंतर को पूछा जा रहा है। अगर परिभाषा कहता है तो उदाहरण को भी लिखना अनिवार्य है। ठीक है, ये कितने कितने अंक के होते हैं, कभी कोई टॉपिक 2 अंक का होता है, कभी 3 अंक का, कभी 4 अंक का, तो 5 अंक तक के जो आपके प्रश्न हैं, ये पूरे तरह से आपको नंबर जो है वो देते हैं। तो फोकस किस पर होना चाहिए, तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में 60 और 40 का, अगर आप वर्तमान समय में लें तो 50-50% के हिस्से दोनों पक्ष में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अंक कहां मिलेंगे आपको, व्याकरण के खंड में मिलेंगे। यदि आपने सही उत्तर लिखा है तो गणित की तरह नंबर आपको व्याकरण खंड से मिलता है। ठीक है, और दूसरा है आपका साहित्य का खंड। साहित्य के खंड में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वन लाइनर है, जैसे हिंदी पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है, तो वन लाइनर है, या हमारे लिए वो आपके शब्द सीमा दे दिया। हालांकि हिंदी में शब्द सीमा नहीं होती, लेकिन 30 शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए, या सारगर्भित टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए कहता है, तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। इसके अलावा यहाँ 4 नंबर के भी प्रश्न हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको 6 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी से चीजें आपकी अंक के आधार पर किस रूप में होगा, इसकी चर्चा अब हम अगले क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जहां पर आपको भाषा और लिपि से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इस भाषा और लिपि से पहले के समय में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि मानक भाषा और राजभाषा से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रभाषा और लक्ष्य भाषा क्या होती है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। परंतु अब इसमें कुछ नए रूप देखने को मिले, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 1, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। हालांकि ये 1 नंबर का होना चाहिए, परंतु दिया गया है किसने नंबर का लिखने के लिए, 2 नंबर का लिखने के लिए। इसलिए अगर आपने काम चोरी कर दी, ठीक है, और आपने यहां पर केवल 1 लाइन में देवनागरी लिपि लिख दिया, तो इसमें बेटा आप सही हैं, परंतु इसमें केवल आपको आधा नंबर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर लेखन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे आप क्या लिखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए कह रहा है, तो क्या लिखेंगे कि ब्राह्मी लिपि से अवतरित देवनागरी लिपि का प्रयोग राष्ट्रभाषा हिंदी को लिखने के लिए किया जाता है। तो यह आपके पूरे 2 अंक आपको दिलाएगा। क्लियर हो गया। और दुखने की बात है कि लाइन अगर 2 लाइन दिया है, यदि 2 लाइन दिया है तो मान के चलिए कि दिए गए लाइन में ही लिखना है, लाइन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिखना, ना ही आपका उत्तर जो दूसरे प्रश्न के ऊपर चढ़ना चाहिए। तो जो आपको स्थान दिया गया है केवल उसी स्थान पर लिखना है। बहुत सिंपल रूप में भी लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। यदि आप लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो भी आपको पूर्ण अंक जो है वो दिया जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को स्पष्ट कीजिए। अब भाषा का जो विकास क्रम आप पढ़ते हैं तो भारतीय आर्य भाषाओं को कितने खंड में बांटा है? तीन खंड में, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भाषा और आपकी आधुनिक आर्य भाषा। इसी में से पहला सेक्शन जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो यहां पर आपको संस्कृत के बारे में पूरा स्पष्टीकरण करना है। अब पांच अंक का है तो हो सकता है आपको पांच लाइन दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में यदि वो आपको पांच लाइन देता है तो मैं बार बार कह रही हूं कि आप कभी भी उत्तर लेखन जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप ज्योग्राफिकल पोर्शन में या आपके जीएस के सेक्शन में बाइफर्गेट करते हैं, एक तालिका बनाकर लिखते हैं, आप यहां पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न जो है पांच अंक का है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, ठीक है ना। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो वहां पर आप इसका समय लिख देंगे, जैसे कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, समय लिख दिया। इसके दो हिस्से कर देंगे, एक तरफ लिख देंगे आप यहां पर क्या, वैदिक संस्कृत, ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब अगर आपको कंटिन्यूशन में अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पता है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां से इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है, इसलिए यहां पर निशान आप लिख देंगे जैसे कि वैदिक संस्कृत, ठीक है ना, वैदिक संस्कृत। समय मालूम है तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर संस्कृत का समय पहले से लिख दिया है, ठीक है। गलती बिल्कुल नहीं करना बेटा, क्योंकि मान लीजिए आपने लिख दिया 1500 से 1000, हो सकता है वो 1500 से आपकी 500 हो सकता है 500 से 1000 हो, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जब तक नहीं मालूम है उसको जबरदस्ती की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको डिफाइन करना है तो इसको अंडरलाइन कर दिए और इसको बहुत सुंदर और सटीक रूप से क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिख सकते हैं, छांदस के द्वारा प्रदत्त नाम वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन संस्कृत मानी जाती है, जिसका प्रयोग प्रथम चार वेदों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था, जिसमें संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता है। फिर आप यहां पर क्या लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे यहां पर आपका लौकिक संस्कृत। अब इस लौकिक संस्कृत को भी अंडरलाइन कर देंगे, बाकी बीच में अंडरलाइन करने के लिए अगर आप चाहें तो प्रथम चार वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको हाईलाइट कराना चाहते हैं कि वैदिक संस्कृत का प्रयोग उस रूप को लिखने के लिए किया जाता था। यहां पर क्या लिखेंगे, यास्क पाणिनि के द्वारा प्रदत्त यह लौकिक संस्कृत सरल सहज बोलचाल की संस्कृत थी, जिसका प्रयोग कवियों के लिए, ब्राह्मण लोगों के लिए निश्चित कर दी गई थी, जिसके प्रयोग से काव्यों को, नाटकों को, पुराणों को, ग्रंथों का लेखन जो किया गया था, ठीक है। ये आपकी पांच नंबर के हो जाते हैं। तो देखने वाली बात है कि अगर आपने यहां पर लिख दिया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक, है ना, ईस्वी तक, तो यहां पर आपको और डिटेल में टाइम पीरियड लिखने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया, तो भाषा और लिपि से आपके प्रश्न इस रूप में। चलिए अब बारी आती है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमेशा आपको केवल निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, यही प्रश्न आता था, परंतु वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला से लिया गया है, जिसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। कितने नंबर का है आपका, दो नंबर का, ठीक। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। मान लीजिए यहां पर दिया है आपको कितना लाइन, दो लाइन दिया है, ठीक है, या आपको तीन लाइन दिया है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर लिखेंगे उत्तर पहला स्वर, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे,
ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, स्वर, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे कि स्वर स्वतंत्र वर्ण अक्षर होते हैं, बगैर किसी अवरोध के कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे अ ई उ, ये आपके हो गए उदाहरण। इसी प्रकार सेकंड क्या लिख देंगे आप, यहां पर लिख देंगे व्यंजन, फिर इसको अंडरलाइन कर दिया। स्वर की सहायता से पूर्ण होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, उदाहरण क ख ग घ ऐसा लिख दिया तो आपको यहां पर आपके पूरे दो अंक जो है वो मिलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर उच्चारण स्थान पूछा है, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर ट और व है क और श। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर, जैसे आप लिखते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे ट का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान, ठीक है ना, क्या है, मूर्धन्य है, ठीक है ना, या कह सकते हैं मूर्धा है, ठीक है। व का उच्चारण स्थान क्या है हमारे लिए, दंतोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। यदि आप चाहें तो इतना पूरा नहीं लिखना है, तो भी आप चाहें तो ट का उच्चारण स्थान यहां पर मूर्धन्य कह सकते हैं, ठीक है, और व का उच्चारण स्थान है तो दंत्योष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। वैसे ही क और आपके श का पूछा गया है, तो अगर आप चाहें तो निम्न वर्ण के उच्चारण स्थान, तो ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न है ना। उच्चारण स्थान में अगर आप इस तरह मेंशन करेंगे तो क्लियर मेंशन करना जरूरी है दिए गए लाइन में। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं निम्न वर्ण उच्चारण, आपके वर्ण अक्षरों के उच्चारण स्थान निम्न है, ठीक है, ट मूर्धन्य, व दंतोष्ठ, क कंठव्य, श तालव्य, ठीक है, इसको आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक। अगला क्या कहता है, इसमें देखिए वन लाइनर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, चार अंक का है और कितने विकल्प हैं आपके प्रश्न में, एक दो तीन और चार, यानी कि कुल मिलाकर इच क्वेश्चन है वन मार्क, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में एक अंक है, इसलिए उत्तर लेखन के लिए भी आपको एक लाइन ही दिया जाएगा। जैसे कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, दो स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं, आ ई उ, ठीक है ना। इसी प्रकार ओ स्वर का उच्चारण स्थान, अब यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, ठीक है ना, अब फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, तो यहां पर अगर लाइन है तो उसमें लिखेंगे, और अगर लाइन नहीं दिया गया है तब यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार य का उच्चारण स्थान है, अब फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे दे दिया है, तब यहां पर आंसर लिखेंगे, और अगर नहीं तो अगर नीचे आपको लाइन दिया गया है तो कोशिश कीजिएगा कि जहां आपको लाइन दिया गया है केवल उत्तर लेखन वही किया जाए, ठीक है। प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ कौन सी ध्वनि है, अब आपको यहां पर यह नहीं बताना है कि प्राणत्व की दृष्टि, प्राणत्व का आधार क्या होता है, ऐसा आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर का है इसलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ महाप्राण वर्ण है, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्राणत्व का आधार क्या है कि प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण को प्राण अल्प प्राण महाप्राण कहते हैं, इतना सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अगली बारी आ जाती है, जैसे कि अति संक्षेप में लिखना है, ठीक है, जैसे कि तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको क्या लिखना होगा, आपके च वर्ग को तालव्य वर्ण कहते हैं, च छ ज झ इया तालव्य वर्ण है, क्लियर हो गया। इस तरह आपको वहां पर उत्तर लेखन करना होगा। अब कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर अंत इस वर्ण के नाम लिखिए, ठीक है ना, तो ई र ल व है ना, इतना लिख दिया तो काफी है, क्योंकि ये आपका जो है वो आपके दो नंबर का प्रश्न ना होकर केवल एक नंबर का प्रश्न है। तो अंत इस्थ वर्ण के नाम निम्न है य र ल व, या आप कह सकते हैं य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार आपने जब लिखा तो पूरा आपके वर्ण अक्षर में आपके लेखन से उत्तर की प्रक्रिया से पूर्ण अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं जैसे कि वर्ण संयोजन और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करना होता है तो अन्य विषयों की तरह बीच से आप लाइन खींच देते हैं,
अगर आप वैसी प्रक्रिया निभाते हैं तो कब निभाना चाहिए? जब उसमें 3 से 4 या 5 अंतर पूछा गया हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर का है, मतलब आपको 2 अंतर लिखने हैं। इसके लिए यदि आप चाहें तो उसे पूरी तरह से आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, या आप 2 योजना बना सकते हैं कि इधर लिख दिया आपने, जैसे कि वर्ण संयोजन लिख दिया, ठीक है, और अंडरलाइन एक लाइन खींचने के बाद में वर्ण लिख दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, ठीक है, फिर 0.1 बना दीजिए, ठीक है। तो वर्ण अक्षरों के मिलने से जब उसमें एक शब्द का रूप प्रयोग होता है तो उसे वर्ण संयोजन कहा जाता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले ध्वनि के चिन्हों का एक सांकेतिक चिन्ह है जिसे वर्ण कहा जाता है, ठीक है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि वर्ण अक्षरों के संयोजन से ही शब्द का निर्माण होता है। अब यहां लिख सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे लघु इकाई है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता। तो इस तरह आपको जो भी इसके अंतर नजर आते हैं बाध्य नहीं है, न ही आपको यहां पर 2 अंतर स्पष्ट कीजिए कि 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। इसलिए 2 नंबर का है तो आपको 2 लिखना होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसे एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो ऐसा प्रयोग न करके आप लिख सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जबकि वर्ण अक्षरों के संयुक्त होने से जो तत्व होता है उस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। इस तरह आप एक लाइन में भी उसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपकी व्याकरण में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। अब यहां पर चीजें जो हैं अंतर स्पष्ट करके एग्जांपल भी लिखना है, जैसे कि देशज और अनुकरण शब्दों में अंतर बताते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी आपको देशज शब्द क्या है और अनुकरणवाचक शब्द देशज में क्या होते हैं इसको बताना है। तो आप क्या कह सकते हैं? किसी भी स्थानीय बोलचाल में प्रयोग होने वाली लोक व्यवहार के शब्दों को जिसको स्त्रोत अनार्य हो देशज शब्द कहा जाता है। झोला, टांग, ठुमरी, किसी आवाज या ध्वनि की बगल की नकल पर बनने वाली स्थानीय बोलचाल की प्रचुरता से एक ऐसा शब्द जो अनुकरण पर बन रहा है अनुकरणाचक शब्द कहलाता है। गड़गड़, भट-भट, धक-धक, अब ये दोनों क्या हो गए बेटा? आपके एग्जाम्पल भी हो गए और आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये दिया है प्रेरणार्थक धातु, अब मालूम होना चाहिए कि धातु क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। नाम धातु से क्या आशय है, 2-2 उदाहरण दीजिए, मतलब इसमें आपका 1.5 नंबर है और इसमें आपका 1.5 नंबर है, यानी कि 1 नंबर परिभाषा में और 0.5 नंबर उसके एग्जाम्पल में है। अब आप लिखते क्या है कि किसी कर्ता के द्वारा जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है, या आप क्या कहेंगे, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राधा मोहन से पत्र लिखवाती है, अब जो लिखवाती है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे कि नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना, उसी प्रकार साठ से सठियाना, और इस प्रकार 1.5-1.5 अंक आपको पूरी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी रूप में है अव्यय, किसे कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय के 2 भेद। अब इसमें भी देखिए अव्यय क्या है, इसमें 1.5 नंबर है, और संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, इसमें 1.5 नंबर है। तब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका इस प्रश्न में, इस प्रश्न में 2 प्रश्न है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया है ना, या प्रेरणार्थक धातु, फिर आपने उसको डिफाइन कर दिया, उसी के बाद में आपने यहां पर लिख दिया क्या, नाम धातु, फिर इसको यहां पर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। परिभाषा दे देने के बाद में आपको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत परिभाषित कर देने के बाद उसके लिए उसका विशेष तौर पर उदाहरण अति अनिवार्य माना जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो अव्यय किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर, अव्यय, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अव्यय लिखेंगे, और इसको डिफाइन करेंगे,
कि जिन शब्दों का प्रयोग करते समय वचन लिंग काल के अनुसार उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। इसके बाद यहां लिखेंगे संबंध बोधक, ठीक है ना। संबंध बोधक यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर दूसरे पदों से संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, और दोनों में एग्जाम्पल जो है आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहां दिया जैसे कि समासिक अधिकरण शब्द किसे कहते हैं, तो यहां पर भी आपको समासिक अधिकरण को एक्सप्लेन करना होगा और नीचे उसका एग्जाम्पल जो है वो लिखना होगा। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो समासिक अधिकरण में 1 नंबर है और आपका 1 नंबर इसके किस में है, आपके एग्जाम्पल में है, ठीक है। अब बारी आती है अगले प्रश्न की कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य की परिभाषा बताते हुए 2 उदाहरण लिखिए, यह भी 2 नंबर का है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाला रीतिवाचक शब्द, किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग जब किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने के लिए उपवाक्य की तरह जुड़ा हो तो ऐसे वाक्य को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट गई। क्लियर हो गया, ठीक। अब पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है, 2 उदाहरण दीजिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि जहां कर्ता एक कार्य को पूर्ण कर लेने के बाद उसी समय दूसरे कार्य को करने में कार्यरत हो जाता है, तो कर्ता के द्वारा पहले पूरा किया गया कार्य उस कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मान लीजिए आपने उदाहरण लिखा, ठीक है, जैसे कि राम भोजन खाकर विद्यालय जाता है, ठीक है ना, राम भोजन खाकर विद्यालय जाता है। अब आपने एग्जाम्पल लिख दिया, तो इस एग्जाम्पल में जो खाकर शब्द है इसको अंडरलाइन कर देंगे, तब समझ में आ जाएगा कि यह उसके व्यक्ति के किए द्वारा किया गया पहला कार्य है, इसलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसी तरह आपके सारे प्रश्न है कि संयुक्त और युग्मक ध्वनि क्या होती है, जिसमें 2 नंबर है। तो जहां वर्ण अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसमें, जहां एक या उससे अधिक वर्ण परस्पर एक स्वर के सहारे प्रयोग होती है, ऐसे ध्वनि को संयुक्त ध्वनि कही जाती है। जहां एक वर्ण का 2 बार प्रयोग हो, एक प््रयोग आधे अक्षर के तौर पर, एक पूर्ण अक्षर के तौर पर, तो ऐसे प्रयोग को युग्मक ध्वनि कहा जाता है। संयुक्त ध्वनि के उदाहरण में आप ध्यान त्याग प्यार लिख सकते हैं, उसी प्रकार आपकी जो युग्मक ध्वनि, तो दिल्ली बिल्ली कुत्ता, ये आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि एग्जाम्पल के तौर पर पूछा कि निपात को परिभाषित कीजिए, है ना, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहां पर भी 3 अंक है, मतलब कि निपात शब्द में आपका 2 नंबर है कि उसे आप क्या समझते हैं, और 1 नंबर आपके उसके उदाहरण में है आधे आधे अंक के आधार पर, ठीक है। तो मेरे इन सभी चीजों को बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको 2 लाइन का प्रश्न है तो आपको उसका स्पष्टीकरण जरूरी है। जैसे कि बलाघात का आशय क्या है, है ना, वाक्य का प्रयोग करते समय उनमें जिस प्रकार के बल का आघात लगाया जाता है उसे बलाघात कहा जाता है। ये बलाघात 3 प्रकार के होते हैं। 1 है स्वराघात, जहां पर स्वर की मात्राओं में लघु और गुरु के आधार पर बल का प्रयोग किया जाए उसे स्वराघात कहेंगे। वाक्य में शब्द का प्रयोग करते समय शब्द पर लगने वाले बल के आघात को शब्दाघात कहेंगे, जैसे कि चाल ढाल लेन देन, ठीक है। इसी प्रकार वाक्य में आवश्यकता के अनुसार शब्दों के बीच विराम देकर अगर किसी शब्द पर बल लगाया जाए तो उसे कहा जाता है वाक्य बलाघात। क्लियर हो गया। और इस तरह देखिए तो तीनों में 1-1 नंबर से आपके 3 अंक जो है प्रदान किए जाएंगे। अगला, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष वर्ण और तालव्य व्यंजन का नाम बताइए। कितने नंबर का है? 2 नंबर का, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर हम 1 लाइनर भी लिख सकते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा मसूड़े की ओर जाकर
लगती है, तो ऐसे व्यंजनों को वर्ष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप लिखेंगे आपके वर्ष वर्ण में लट्टू का ला, सरोते का सा। ठीक है, इसी प्रकार ज। ठीक, दूसरा आपके तालव्य वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। च वर्ग के वर्ण इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर इतना डिफाइन नहीं करना है, अगर इतना डिफाइन नहीं करना है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आपका वर्ष्य वर्ण, ठीक है, और यहां लिखेंगे आप तालव्य वर्ण। ठीक है ना, वर्ष वर्ण में आप क्या लिखेंगे, तरबूज का त, सरोते का स, और आप लिखेंगे आपके वर्ष वर्ण में लिखेंगे आप क्या, लट्टू का ल, सरोते का स और ज। ठीक है, और तालव्य वर्ग में हम क्या लिखेंगे, च वर्ग, और हम क्या लिखेंगे, च छ ज झ और इया। और ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है ना, इसमें व्यंजन है तो हलंत लगाना जरूरी है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा कि व्यंजन वर्ण को अगर आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे हलंत लगाइएगा, अदरवाइज अंक जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए, कितने नंबर का है, दो नंबर का, तो एक नंबर वाच्य किसे कहा जाता है ना, क्रिया के विषय के बोध कराने वाले तत्व को वाच्य कहा जाता है, और इसके दो उदाहरण हैं, जैसे कि मोहन रोटी खाता है, कर्तृवाच्य, मोहन के द्वारा रोटी खाई जाती है, आपकी कौन सी हो जाएगी, कर्म वाच्य। क्लियर हो गया, अब इसके बाद में अगर पर्यायवाची है, पर्यायवाची जो हमेशा आपको मेंशन करता है कि कितने पर्यायवाची आपको लिखने हैं, यदि प्रश्न पत्र में अगर आपको स्पष्ट कर दे कि निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची लिखिए और नीचे दिया हुआ है यदि लाइन, कितना लाइन दिया हुआ है, दो लाइन। ठीक है, कितने अंक का है, दो अंक का, मानने वाली बात है कि दो अंक का है, मतलब कि हमारे लिए दो दो पर्यायवाची दे रहा है, तो एक पर्यायवाची में आपको केवल आधा नंबर जो है दिया गया है। ठीक है, यानी कि आधा आधा मिलाकर दो अंक का होता है, हालांकि ये हमारे लिए एक एक अंक का हो के चार अंक का होना चाहिए, परंतु वो जिस तरह से बना रहे हैं लिखना है। अब चूंकि मेंशन कर दिया कि दो दो लिखना है तो अनिवार्यता हो जाती है कि आपको दो लिखना है, यदि आपको नहीं कहता तो भी कम से कम दो लिखा जाना है, जरूरत के आधार पर। यदि आपको गलती से भी अगर आपने एक लिख दिया तो मान के चलिएगा कि पर्यायवाची से समानार्थी में बदल जाएगा। तो लिखेंगे कहाँ, दिए गए जगह पर, यहां पर अगर आप उत्तर लेखन करते हैं तो नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि आकाश, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, यहां लिख दिया नभ और यहां लिख दिया आसमान। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है जैसे कि समुद्र, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसको कर देते हैं जैसे कि जलधि, इसी प्रकार कर देते हैं वारिधि। ठीक है, अब आपके पास नीचे जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, तीसरा नंबर को यहां मेंशन कीजिए, चौथे नंबर को यहां मेंशन कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां पर केवल लिख दिया, जैसे कि पावक लिख दिया, ठीक है ना, जैसे कि आपने अनल लिख दिया, तो मुझे क्या पता कि आपने किसका पर्यायवाची लिखा है, हालांकि आपने नंबर सही डाले हैं परंतु उत्कृष्ट लेखन आपका इसे माना जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नाम को लिखना पड़ेगा, जैसे कि आग लिख दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दिए, जैसे कि आपने पर्वत लिख दिया, अंडरलाइन कर दिए, और इस तरह आपको पर्यायवाची को लिखना है। क्लियर, अगला देखने वाली बात है कि एक बार चार प्रकार के पर्यायवाची पूछा है। अब देखिए इस प्रश्न में और उस प्रश्न में अंतर क्या है, इस प्रश्न में ये अंतर है कि हमेशा से हम जो आपके पहला नंबर का जो होता है हम उसके आधार पर चीजों को याद करते हैं। हमेशा आप क्या करते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची, आपके गणेश का पर्यायवाची, शिव का पर्यायवाची, विष्णु के पर्यायवाची, कामधेनु के पर्यायवाची, ऐसे याद करते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको इस तरह दे दे जहां पर आपके प्रश्न पर्यायवाची के अंदर से हैं, जैसे कि अरविंद, अब आपको सोचना पड़ेगा कि अरविंद क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि अरविंद ही कमल का पर्यायवाची है। कमल जो हमारे लिए सरोज, नीरज, वारिज, अगर हम जलज कहते हैं उसका पर्यायवाची है, तो यहां पर आपको चीजें याद रहनी जरूरी है। जैसे कि मेघ,
आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जलद यानी कि बादल का पर्यायवाची याद करते हैं तो मेघ है वो भी बादल का ही पर्यायवाची है, यानी आपको रिलेट करना होगा बेटा कि मुझे अरविंद के पर्यायवाची में किसका पर्यायवाची लिखना है। आप देखिए चार पर्यायवाची लिखने बोल दिया है, कितने नंबर का है ये, चार नंबर का, मतलब कि अगर देखने वाली बात है तो चार चार पर्यायवाची तो दिया है जरूर, परंतु यहां पर एक एक नंबर में चार चार विकल्प जो है वो लिखना होगा। हमेशा देखिए हम वृक्ष का और तालाब का पर्यायवाची याद करते हैं, परंतु घुमा दिया है प्रश्न कि अरविंद और मेघ का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची के बाद में विलोम शब्द, विलोम शब्द की बात करेंगे तो विलोम शब्द से आप देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यह भी दो नंबर का है, यहां दिया हुआ है आपको दो लाइन, ठीक है, विकल्प में है चार, ठीक है, तो इसका भी उत्तर लेखन कैसा होगा, यहां पर अगर हम लिखते हैं अथ तो आप इसके सामने डैश मत लगाइए, बल्कि आप क्या करेंगे, अथ है तो आप क्रॉस करके इति लिखेंगे, अथ है तो इति लिखेंगे। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो इसके बदले जैसे कि आहुत है तो एक विराम चिन्ह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लिखेंगे अनाहुत, ठीक है, तो ये पहला और दूसरा हो गया। इसी प्रकार तीसरा और चौथा इसके बगल में आपको लिखना है, डैश मत लगाइएगा ना ही दिए गए यहां पर आपको इसका उत्तर लिखना है। अब नैसर्गिक है तो आपने यहां पर प्राकृत लिख दिया, नहीं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काम कहां करना है, जब आप रफ वर्क बना रहे हो तब आपको ये काम करना है, ठीक है, ताकि आपके पास में एक टाइम बच जाए लिखने के लिए, ताकि आप जब बड़े प्रश्न को हल कर लें और छोटे प्रश्न को हल करना है तो तुरंत वहां से उठाकर यहां पर आप लिखें। लेकिन कभी भी उत्तर को कहां लिखेंगे, दिए गए जगहों पर ही लिखा जाएगा, किसी प्रकार प्रश्न के बगल में आप नहीं लिखेंगे। मान लीजिए जंगम है और आप यहां पर स्थावर लिख रहे हैं, मान लीजिए आमिष है तो आप यहां पर निरामिष लिख रहे हैं, और उत्तर लेखन के लिए जो जगह सही दिया गया है तो आपका प्रश्न यहीं पर काट दिया जाएगा, इसको जांचकर्ता चेक ही नहीं करेगा, इसलिए दिए गए स्थान पर ही उत्तर आपको लिखना है, चाहे वो एक अंक का हो, तीन अंक का हो या पांच अंक का हो, ठीक है। इसी प्रकार है समोच्चारित शब्द, समोच्चारित शब्द से क्या कह रहा है कि समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द से क्या आशय है, तो आप क्या लिखेंगे, उच्चारण की गलती से एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को समोच्चारित शब्द कहा जाता है, इसे भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं क्योंकि लेखन वर्तनी की दृष्टि से अर्थ इसके भिन्न होते हैं, ठीक है, आपने उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, अब आपके उसको बताने के लिए एक अंक है, आपने केवल उतना ही लिखना है। अगर उदाहरण लिख रहे हैं तो जैसे आप वहां पर लिख सकते शर आप डैश करके लिखेंगे बाण, और सर लिखते हैं तो लिखेंगे तालाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू के हिसाब से क्या कह रहा है, अर्थ भेद स्पष्ट करने बोल रहा है, ठीक है ना। यहां पर तीन विकल्प हैं, मतलब कि प्रत्येक विकल्प पर एक प्रश्न है, यानी कि आधा नंबर इसमें, आधा नंबर इसमें, आधा इसमें, आधा इधर, आधा आधा इधर, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर वन, यहां लिख दिया आपने सूची, ठीक है ना, इसको मतलब लिख देंगे सुई, ठीक, यहां लिख दिया आपने सूची और यहां लिख देंगे आप तालिका। अब आपके पास नीचे लाइन नहीं है तो नंबर टू यहां लिखेंगे, ठीक है ना, जिसमें तुरंग और तरंग लिखेंगे, नंबर थ्री यहां लिखेंगे, ठीक है, जहां पर आपके सर और सर के बारे में लिखेंगे, और इस तरह आपका वन लाइनर छोटा छोटा है तो दो लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आप पहला दूसरा तीसरा विकल्प को लिखना चाहें तो इस पद्धति से आप उसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। यहां प्रश्न को समझिएगा, केवल अर्थ भेद स्पष्ट करने बोल रहा है, आपको वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही प्रश्न कहता कि निम्नलिखित समोच्चारित शब्द का अर्थ भेद वाक्य प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कीजिए, तब आपको लिखना होता कि दर्जी के द्वारा सूची कर्म किया जाता है, ठीक है, और कह सकते हैं कि परीक्षा की सूची तालिका सूची, परीक्षा की तालिका सूची बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, तब वाक्य प्रयोग के माध्यम से उसके अर्थ स्पष्ट होते, परंतु यहां केवल अर्थ भेद लिखने बोला है तो आपको उतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, अगला देखते हैं तत्सम तद्भव, ठीक है, इससे हर साल आपको दो दो नंबर का प्रश्न पूछा जाता है,
ठीक है। जैसे कि निम्न का तद्भव रूप लिखिए, मतलब ये हमारे लिए संस्कृत का शब्द होगा जो होगा हमारा तत्सम रूप में, इसका हिंदी में लिखना है, और उसी प्रकार यह हमारा हिंदी का होगा जिसको संस्कृत के तत्सम रूप में लिखना है, ठीक है। तो संस्कृत के शब्द को तत्सम में करना है जो हमारे लिए हिंदी का होगा, तो हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में बदलना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं तद्भव रूप लिखना है, तो संस्कृत के शब्दों को किसमें लिखना है आपको, हिंदी में, ठीक है। और हिंदी के शब्दों को किस में लिखना है, संस्कृत में। अब राजपुत्र कह रहा है तो उत्तर लेखन कैसे करेंगे, राजपुत्र कह रहा है तो उत्तर लेखन कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। अब यहां पर दिया है मान लीजिए दो लाइन, मैं हर बार वही बता रही हूं, दो लाइन दिया है, इसके बगल में बिल्कुल मत लिखना कि आपने लिख दिया राजपूत, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब वो राजपुत्र कह रहा है तो अंडरलाइन कर दीजिए, यहां लिख दी इसको राजपूत, ठीक है। नंबर दो यहां लिख दीजिए, जैसे कि त्रिगुण है ना, अब यहां पर लिख दीजिए जैसे कि तिगुना। इसी प्रकार यहां पर आपका तीसरा नंबर और यहां पर चौथा नंबर को मेंशन करेंगे, जैसे कि पंच त्रिशत को 35 कहते हैं और बुभुक्षा को भूख कहा जाता है, और इस तरह उत्तर लिखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी नजर आती है, जांच करते भी को भी आपकी कॉपी बहुत खूबसूरत नजर आती है। बार बार काट छाट मत कीजिएगा उत्तर लिखने के लिए, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा बेटा आपका साहित्य खंड को छोड़कर व्याकरण खंड में सबसे ज्यादा प्रश्न के अंक जो है आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे वैसा नंबर आपको मिलेगा। तो उत्तर लेखन में सबसे ज्यादा स्कोर आपके व्याकरण में है, गणित की तरह आपको नंबर देता है, इसलिए उत्तर लेखन में व्याकरण के पक्ष पर सबसे ज्यादा स्कोर करिएगा, क्योंकि दो नंबर तीन नंबर, दो नंबर तीन नंबर कह के कम से कम 48 से 50 कभी 55 से 58 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार है तत्सम, जैसे यहां पर अगर कह रहा है अखरोट है ना, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, जैसे हम लिखेंगे अक्षोट, क्लियर हो गया। इसी प्रकार आपका नंबर टू इधर आ जाएगा, नंबर थ्री इधर और नंबर फोर इधर, ठीक है ना। अगर आप इस दो लाइन को कवर करते हैं, अब होता क्या है किसी बच्चे की राइटिंग बहुत छोटी छोटी होती है, तो वो बच्चा क्या करता है सबको एक लाइन में लिख देता है, नीचे का लाइन अधूरा दिखाई देता है, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके लेखन के अनुसार आपके राइटिंग में उसकी आकार बहुत छोटे छोटे हैं जिससे एक ही लाइन में खत्म हो गया, जैसे यहां पर एक लिख दिया, यहां पर दो को लिख दिया, यहां को तीन को लिख दिया, यहां चार को लिख दिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल आपके तद्भव शब्द को लिखेंगे या केवल तत्सम शब्द को लिखेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए वो बच्चा क्या करता है, जैसे कि आंसर दिया अक्षोर, आंसर दिया चित्रकार, ठीक है ना, फिर आपका क्या डाल दिया जैसे कि हरिद्रा, फिर क्या डाल दिया गोधूम, तो आपने सही लिखा लेकिन जो नीचे का लाइन है वो आपका अधूरा नजर आ रहा है और उत्तर लेखन स्पष्ट नहीं हो रहा। सही होकर भी, अच्छा प्रदर्शन नहीं होकर आपके नंबर जो है अगर उनकी इच्छा हो तो काटे जा सकते हैं, इसलिए जैसा मैंने बताया कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको तो यहां पर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरह नहीं लिखना है, दिए गए जगह पर लिखना है, इसलिए यहां पर आप अगर अखरोट लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बगल में आप लिखेंगे अक्षोट, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आपको लिखना होगा जैसे कि चितेरा, ठीक है, जैसे कि आप क्या लिखेंगे, चितेरा है ना, और इसके बगल में क्या लिखेंगे, चित्रकार, और इस तरह आपका दिया गया जगह भी भर गया और आपके द्वारा लेखन भी बहुत अच्छे से किया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, कैसे पूछे जाते हैं, अगला है अनुवाद लेखन। ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी ना, तो जब इसकी शुरुआत की गई थी तो एक ही प्रकार का प्रश्न दिया था और क्या कहा था, निम्नलिखित अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए, कितने नंबर का, 5 नंबर का,
सबसे पहले इसको हमें दो से तीन बार पढ़ना होगा। दो से तीन बार पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको इजी वर्ड्स हिंदी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर कह रहा है मतलब कि समाचार पत्र हुआ, रीडिंग कह रहा है मतलब कि पढ़ने का क्रिया हो गई। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ लाइफ कह रहा है तो जीवन का हिस्सा। अब आप इसमें जब हार्ड वर्ड को निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको रफ पेपर में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की खासियत होती है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द पदों का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, जैसे कि पहले कर्ता, फिर उसका कर्म, फिर उसकी क्रिया आती है, परंतु इंग्लिश में सब्जेक्ट, देन वर्ब का फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदी जो है अंग्रेजी से अनुवाद करना है तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है, शब्दों का अनुवाद नहीं करना है बल्कि वाक्य का अनुवाद करना है। किसी भी तरह से वो डिसबैलेंस मैच नहीं होना चाहिए, अरेंजिंग सिस्टम में होना चाहिए। यदि आप कहते हैं रात होती है चांदनी सुहावनी तो यह वाक्य अच्छा नहीं लगता। अगर आप यही कहते हैं कि चांदनी रात सुहावनी होती है तब सेंटेंस पूरा कंप्लीट और अच्छे से समझ में आता है। दूसरी बात, इंग्लिश में जेंडर का इफेक्ट वर्ब के फॉर्म में नहीं पड़ता है। रामा इज रीडिंग है ना, राधा इज रीडिंग कहते हैं, लेकिन अगर यही हिंदी है तो राम पढ़ता है, राधा पढ़ती है कहते हैं। इसलिए अनुवाद लेखन में देखने वाली बात है कि जहां हमारे पास कुछ कठिन शब्द हो जाते हैं उस कठिन शब्द को पहले आप अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन कर ले तो वहां पर से जो चीजें जो है वो आपको आसानी से निकाल पाना संभव हो जाता है। जैसे कि हैबिट कह रहा है मतलब कि आदत हो गया, पीपल कह रहा है तो लोग या जनता हो गए, बिटवीन कह रहा है तो बीच में हो गया, ठीक है ना, लेटेस्ट कह रहा है मतलब कि बहुत तुरंत, यानी कि लेटेस्ट मतलब कि अभी अभी जो आया है। ठीक है, थर्ड आई आपको मालूम है कि तीसरी आंख हो गई। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए अगर कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल मतलब जनता की आवाज, ठीक है, और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम यहां पर नॉलेज कह रहे हैं मतलब कि जानकारी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, दो से तीन बार इसको पढ़ेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एज वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी वेट अर्ली ऑफ द डेली पेपर्स, 20th सेंचुरी इज एन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, द प्रेस इज द थर्ड आई ऑफ मैन अगर कह रहा है, तो पूरा आप इसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की गई है, समाचार पत्र के बारे में। तो हमें उसके आधार पर ही अनुवाद करना होगा। जैसे कि अखबार पढ़ना हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है, सुबह उठते ही हम दैनिक समाचार पत्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 20वीं सदी समाचार पत्रों का युग है, प्रेस मनुष्य की तीसरी आंख है ना, और इस तरह इसके अनुवाद जो है वो आपको किए जाएंगे। तो पांच नंबर का ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न आपको नए रूप में डाला गया है और नए रूप में दिया जाता है क्योंकि ये 10 नंबर का मामला है। एक तो पांच नंबर का पैराग्राफ जिसको आपको लिखना है, जहां पर वाक्य से वाक्य का अनुवाद आपको करना है। तीसरा है आपका इस रूप में दिया जाता है जहां पर एक सेंटेंस दे देते हैं, ठीक है ना, एक सेंटेंस देते, इसमें ध्यान रखिएगा इसमें प्रशासनिक शब्द भी मेंशन है, जैसे कि मामला अभी विचाराधीन है। अब इस डिब्बे में आपके लिए कोई स्थान नहीं। अब सभी को पता है डिब्बा का मतलब बॉक्स होता है, डिब्बा का मतलब बॉक्स होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति किसी बॉक्स में नहीं जाएगा। व्यक्ति किस में बैठेगा, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठेगा। तो शब्द का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें कह सकते हैं देयर इज नो स्पेस इन बॉक्स, तो आप भी बॉक्स में नहीं जाएगा, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, कंपार्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो इसमें हमारे लिए प्रशासनिक और ऐसे शब्दों के प्रयोग है। कुछ प्रश्न इस रूप में भी आते हैं कि हिंदी शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, जैसे कि आकस्मिक व्यय, मुख्तारनामा, कार्यालय ज्ञापन, कुल नाम और अवकाश पीठ, ठीक है ना। अब कुल नाम कहता तो सरनेम हो गया, ठीक है, इसी प्रकार कार्यालय ज्ञापन कहता तो मेमोरेंडम हो गया। ये आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ये हिंदी के प्रशासनिक शब्द है जिसको अंग्रेजी भाषा में लिखना है। कभी कभी आपको अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्द दे देते हैं जिसे आपको हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे अगर देखा जाए आर्कियोलॉजिस्ट कहता है,
तो इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं उसको लिखना है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉल रोल कहते हैं, इसी प्रकार फिक्शंस ऑफ पे कहते हैं, वॉल्यूम वैल्यूएशन कहते हैं, ये सभी को हिंदी भाषा में लिखा। और लिखेंगे कैसे, जहां पर मैंने बताया यहां पर नंबर वन लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उसका हिंदी में लिखेंगे, नंबर टू लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उसका हिंदी में लिखेंगे, इस तरह इसका आंसर होगा। दूसरी बात, जो आपको ये वाला प्रश्न दिया है इसको भी उसी रूप में लिखना है। यहां पर अगर आंसर राइटिंग के लिए कितना दिया, पांच लाइन अगर आपको देता है ना, अगर मान लीजिए चार लाइन दे रहा है या पांच लाइन, तो कोशिश कीजिएगा 1, 2 इसी प्रकार 3, 4 और 1 यहां पर लिख दिए तो आपकी जगह जो है पूरी भर जाती है। कोई बात नहीं, अगर अंतिम का छूट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा, है ना, इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे जगह नहीं होगा। ये तो प्रश्न है, नीचे आपको पांच लाइन दिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 कहके आपको एक के बाद एक लाइन में उसके आंसर को लिखना है। ठीक है, जैसे यहीं पर दे दिया, मान लीजिए आप यहां पर आपको पेज मिल गया, तो यहां पर आपको उसी पेज में नीचे जो है वो पांच लाइन दे दिया जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए अगर पांच लाइन देता है, यहां नंबर 1 को, नंबर 2 को, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 को यहां पर आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर जो है वहां पर लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। और इस तरह अनुवाद लेखन के बाद में अब बारी आ जाती है जैसे कि संक्षेप की। ये आपका हमेशा से 6 नंबर का रहा है। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, 5 और 1 की श्रेणी में। प्रश्न क्या रहता है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और उसका एक शीर्षक भी लिखिए। ठीक है, तो शीर्षक लिखना है तो शीर्षक में कितना नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है, शीर्षक में कितना नंबर, 1 नंबर। और दूसरी बात कि शीर्षक में अगर 1 नंबर है तो उसके संक्षेपण में 5 अंक है, मतलब कुल मिला के 6 अंक का ये प्रश्न है। इसके लिए आपको प्रश्न को पूरी तरह से क्या करना होगा, पढ़ना होगा कि पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे और संक्षेपण करने के लिए ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। डेली कम से कम प्रैक्टिस कीजिए और संक्षेपण की कोशिश कीजिए कि लिखे कैसे। तो जिस तरह अनुवाद करने के लिए आप उसे बार बार पढ़ते हैं वैसे संक्षेपण को पढ़ेंगे। संक्षेपण के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, 3 से 4 बार इसे पढ़ना चाहिए। ऐसा करते समय हमें क्या होता है कि मालूम हो जाता है कि कौन से शब्द को, कौन से वाक्य को हमें अपने संक्षेपण के लिए चुनना है। जब यह रणनीति दिमाग में बैठ जाती है, बन जाती है, तो आप जिस लाइन को वहां से लेना चाहते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। पर ध्यान रखिएगा बेटा, सेंटेंस को कॉपी बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि आप उस सेंटेंस को आप अंडरलाइन करेंगे जरूर, पर कॉपी नहीं करना। यानी कि दिए गए पैराग्राफ में से, आपके द्वारा दिए गए पैराग्राफ में किसी भी प्रकार के लाइन जो है उसको आपके आंसर राइटिंग में कॉपी नहीं करनी है। दूसरी बात, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, अगर उसे संक्षेपण की प्रक्रिया नहीं मालूम तो शुरू के 2 लाइन छोड़ देता है, लास्ट के 2 लाइन को छोड़ देता है और वो बीच की चीजों को लिखता है। उसे लगता है कि मैंने संक्षेपण में उसे समराइज करके लिख दिया है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जिन लाइन को आपको संक्षेपण के लिए लेकर आना है आप उसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास वक्त है तो रफ पेपर पर आप एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। मान लीजिए वक्त नहीं है तो दिमाग में ही उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर होता है उसके संक्षेपण की प्रक्रिया की अगली सीढ़ी आपके टॉपिक निकालने का। तो टॉपिक कहाँ होगा, या तो शुरू के लाइन में होगा या बीच में या लास्ट में, या आपको फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ किसके बारे में आपको डिफाइन कर रहा है, वही चीज उसकी शीर्षक कहलाएगी। अगली बात, जब इसका संक्षेपण करेंगे तो जो सीक्वेंस में, क्रम में इसने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपके संक्षेपण में, वही क्वालिटी का होना जरूरी है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हम वर्ड को यहां पर नंबर को काउंट करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसा आपको यहाँ पर प्रयोग होने वाले शब्द को काउंट करना है। अगर आपका यह पैराग्राफ 150 वर्ड का है तो यह इसका 1/3 पोर्शन होगा, यानी कि 15 या 45, यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा 42 से 45 शब्द में इसे लिखना है। अब जांच करता वहां नंबर को काउंट नहीं करता, लेकिन आपको क्या करना होगा, जब आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कला के क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण मुक्त होना चाहिए। कवि के लिए जो प्रथम और अंतिम बंधन हो सकता है वह केवल इतना ही है कि कवि अपने प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे, तो आप देखने वाली बात है। तो क्या कह रहा है, कला का क्षेत्र जिसके बारे में बता रहा है कि इसमें सभी का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। किसी भी कवि के लिए पहला और अंतिम बंधन जो है वो कला के क्षेत्र में अगर हम किसी व्यक्ति को बांध देते हैं तो वो अपनी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। इसलिए कवि अपने प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे, इसलिए उसे हम एक सीमा दायरे में रखते हैं। दूसरी बात, समन्वय कला की सुंदरता का मूल है। जिस प्रकार आकाश में विचरण करने वाले कलाकार को पैरों के नीचे वाली मिट्टी का ध्यान रखना आवश्यक है, उसी प्रकार मिट्टी को सर्वस्व मान लेने वाले कलाकार को याद रखना जरूरी है कि उसका विहार स्थल आकाश भी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि यहाँ पर हम क्या चीज को पा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि कला के क्षेत्र में दृष्टिकोण का मुक्त होना जरूरी है। कवियों के लिए प्रथम और अंतिम बंधन जो दृष्टिकोण है उससे मुक्त होना चाहिए, ठीक है, जिससे कवि अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे। समन्वय की कला के सौंदर्य में देखने वाली बात है कि आकाश में विचरण करने वाले और जमीन में रहने वाले व्यक्ति दोनों को एक दूसरे की जानकारी का होना आवश्यक है, ठीक है। जिस प्रकार फूलों और नदियों के पास केवल रसानुभूति के उद्देश्य जाता है, एक व्यक्ति जिस प्रकार नदियों के पास और रसानुभूति के जाता है उसी प्रकार जीवन के अन्य अंगों से भी वह प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर क्या बता रहे, एक्सपीरियंस बता रहे कि जैसे एक कवि प्रकृति की खूबसूरती से संबंधित रचनाओं को रचना चाहता है तो या तो उद्यान में जाता है या नदी के किनारे जाकर उसके प्राकृतिक सौंदर्य को कविताओं के माध्यम से बांधता है। उसी प्रकार देखा है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर एक अनुभव को अपने माध्यम से बताने का प्रयास करता है। इस दायित्व के साथ कहना चाहते हैं कि पेट की पीड़ा की अनुभूति किसी प्रकार की प्रेम की पीड़ा की अनुभूति के लिखने वालों की हीन नहीं है। अब यहां पर देखा जाए तो क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर कला के क्षेत्र में हुनर बनाना चाहता है तो उसके लिए दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि मुक्त रूप से उसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता मिलनी चाहिए, उसके बारे में ही यहां बताया गया है, है ना। तब हम देखते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर प्रश्न दिया है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, मतलब कि देखिए हमेशा ये 6 नंबर का तो आता है, हमेशा ये 6 नंबर का आता है जिसमें कहता है निम्नलिखित गद्यांश का शीर्षक देकर 1/3 हिस्से में उसका आपका संक्षेपण कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न है बेटा तो 1 नंबर शीर्षक में और 5 नंबर संक्षेपण में होगा। लेकिन अगर इसी पैराग्राफ में अगर आपको ये कह दे कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए तो आपको लिखना होगा कला का क्षेत्र या कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, तो आप यहां पर किसी रूप में क्या लिखेंगे, निम्न अनुच्छेद का शीर्षक है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे क्या कि कला का क्षेत्र, और उस कला का क्षेत्र को अंडरलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना, अंडरलाइन में उसको पैक कर देंगे, ठीक है। रेखांकित अंशों की अलग से व्याख्या कीजिए, अब कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है ना, 4 नंबर का है, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको डिफाइन करना है कि कला के क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण मुक्त होना चाहिए, इसको आपको विस्तृत करना है। इसको क्या करना है, आपको विस्तृत करना है, तो आप क्या लिखेंगे, कला के क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त अवस्था में स्वच्छंद रूप में अपनी कलाकृतियों को निभाता है वह हर प्रकार के अनुभव को किसी न किसी माध्यम से प्रस्तुत करता है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए उसे हर प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे जमीन पर विचरण करने वाले व्यक्ति को आकाश गगन की और आकाश गगन में विचरण करने वाले व्यक्ति को जमीनी स्तर की जानकारी का होना आवश्यक है। इसी प्रकार जब कोई भी व्यक्ति अपनी कला को स्पष्ट करना चाहता है तो जीवन के सारे अनुभव जो उसने प्राप्त किए हैं अलग अलग परिवेश में वह अपनी बातों को कला के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। और इस तरह उसने डिफाइन कर दिया, तो पैराग्राफ
पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर ही आपने वहां पर मेंशन किया। ठीक है, अब गद्यांश का संक्षेपण एक तिहाई शब्दों में कीजिए, मतलब कि 4 नंबर का। पहली बार ऐसा हुआ था जब CGPSC में यहां पर आपको प्रश्न अलग अलग रूप से पूछा गया था, ठीक है ना। तो इस स्थिति पर देखा जाए तो गद्यांश का संक्षेपण एक तिहाई शब्दों में लिखिए कहता है, तो देखने वाली बात है कि अगर ये प्रश्न है जहां ये 1 नंबर का है, अलग से व्याख्या मान लीजिए 4 नंबर की है, तो 4 × 5 हो गया और 3 नंबर का यहां करके ये 8 नंबर का बना सकता है। या तो हमेशा क्या होगा बेटा, 1 नंबर का शीर्षक में और आपके 5 नंबर के संक्षेप में आपको जवाब लिखने होते हैं। तो इसके बाद अगर देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता समझने के पीछे विद्वानों का मत यही रहा होगा कि हिंदी ही वह भाषा है जो भारत को जोड़ने के लिए सेतु बन सकती है। भक्ति आंदोलन जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन बन गया था, संपूर्ण भारत के लोगों में इस बात का एहसास करा दिया कि विद्यापति से लेकर मीराबाई तक हिंदी का विस्तार इस बात का सूचक है कि मैथिली से लेकर राजस्थानी तक हिंदी क्षेत्र की व्याप्ति वस्तुतः गुजरात से लेकर बंगाल तक है। विद्यापति केवल मैथिली कोकिल ही कवि ही नहीं बल्कि बंगाल के भी कवि माने जाते हैं। मीराबाई भी न सिर्फ राजस्थान की बल्कि गुजरात की भी कवित्री मानी जाती है। हिंदी ने अपने देश के सभी उपभाषाओं को जोड़ने के साथ आसपास के संवाद कायम रखा। अब इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो जैसे कि मैं रीड कर रही हूं, आपको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है, साहित्यिक भाषा के बारे में, और किसके बारे में बात की जा रही है, हिंदी भाषा। ठीक है, तो हम इसका शीर्षक क्या निकाल सकते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी। इसका शीर्षक निकल सकता है राष्ट्रभाषा हिंदी। ऐसे सिचुएशन में उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसका टॉपिक आपके अनुसार अलग हो सकता है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी कह सकते हैं या राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, गद्यांश का सारांश एक तिहाई हिस्सों में लिखना है। अब आपको लिखना कैसे है, ना तो यहां पर किसी प्रकार का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, न तो किसी भी प्रकार का आपको कंक्लूजन निकालना है, यानी कि न ही आपको उपसंहार लिखना है, न ही आपको भूमिका बांधनी है। आपको कैसे करना है, जैसे यहां पर दिया गया है इसी सीक्वेंस में आपको चीजों को लिखना है। बस इसके क्रक्स को निकालकर इनके चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। इसलिए देखने वाली बात है, अगर आपको जगह दे दिया है प्रश्न में तो यहां पर लिख देंगे। यदि आपको यहां पर जगह दिया है, जैसे कि आपको 6 लाइन दे दिया, ठीक है ना, जब आपको 6 लाइन दे दिया, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 मान लीजिए 5 और आपको 6 लाइन दे दिया, तो यहां से आप लिखने की कला शुरू करेंगे। ठीक है ना, कि राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में आप क्या लिखेंगे, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे विद्वानों के नहीं बल्कि साहित्यिक व्यक्तित्वों का भी योगदान माना जाता है। यह हिंदी जो भारत के अंदर उत्तर से आपके पूर्व पश्चिम के हिस्से में विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है, इस हिंदी का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं को रचने वाले लोगों ने किया, जिसमें विद्यापति, जिसे हम कवि कोकिल कहते हैं, उस विद्यापति के द्वारा अगर देखा जाए तो हमारे लिए मैथिली कोकिल कवि, अगर हम विद्यापति की बात करें, चाहे हमारे राजस्थान में रहने वाली मीराबाई की बात करें, इन सभी ने साहित्यिक भाषाओं के तौर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाया है। साथ ही हिंदी ने अपने देश के सभी उपभाषाओं को जोड़ने के बाद लोगों से संपर्क के तौर पर काम भी किया है। इससे राष्ट्रीयता का गौरव प्राप्त है और इस प्रकार मातृभाषा बनकर जनद्वीपीय भाषा और उसके आधार पर पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाकर इसने विकास किया है। न केवल पूरे विश्व में लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा इसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बोली जाने वाली बोलियों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हमें इसके प्रति कार्य करना होगा ताकि यह एक राष्ट्र जो है, संपूर्ण राष्ट्र के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग किया जा सके। अब इस तरह अगर आप लिखते हैं तो यहां पर आपको लिखना होगा मूल अनुच्छेद। अगर जगह है तो मूल अनुच्छेद, मान लीजिए आपने यहाँ काउंट किया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 450 शब्द। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 450 शब्द और यहाँ पर लिखेंगे संक्षेपण, है ना, यहाँ पर लिखेंगे संक्षेपण, जैसे कि 150 शब्द, और इस तरह आपका उत्तर लेखन जो है वो संक्षेपण में पूरे अंक आपको दिलाता है। लेकिन अगर कभी
इस तरह नहीं दिया है, केवल आपको एक पैराग्राफ दे दिया और ऊपर ये कह देता है निम्न अनुच्छेद का एक तिहाई हिस्से में संक्षेपण करके उचित शीर्षक लिखिए। तो जैसे मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताई थी कि शीर्षक यहाँ लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पैक करके हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, संक्षेपण यहाँ से शुरू करेंगे और मूल अनुच्छेद लिखा जाएगा। किसी प्रकार की भूमिका नहीं बांधनी है और किसी प्रकार की भी इसमें आपको कोई कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे अंक में कटौती हो। तो आज के इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक पे से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर कुछ बड़े टॉपिक के साथ में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि एक अच्छा उत्तर लेखन क्या होना चाहिए, किस जगह पर आप अपने अंकों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, दो नंबर के प्रश्न हो तो कैसे लिखना है, पांच नंबर का है तो आपको कैसे लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि यह मेरी कोशिश आपके लिए कामगार साबित होगी, मेरा मार्गदर्शन आपके लिए सुविधा युक्त होगा। आशा करती हूं कि इस मार्गदर्शन का आप सदुपयोग करेंगे। इसी तरह के लेक्चर वीडियो को पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में आपको लगातार बने रहना है ताकि हर एक शिक्षक के द्वारा आपके विषय को लेकर जो भी मार्गदर्शन आपको दिया जाए आप उसका भरपूर फायदा उठा सके। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो पढ़ाई रुकेगी भी नहीं और ना ही रुकनी चाहिए, बशर्ते हमारे साथ तालमेल बिठाकर चलिए, अपना समय दीजिए, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लेक्चर वीडियो में केवल इतना ही, आने वाले लेक्चर वीडियो में कुछ टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए करिए इंतजार और दीजिए मुझे विदा। तो अब सभी बच्चों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल माई बच्चा।